आगे लाइट आ गई। ठीक है, लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट नंबर 50, हैंड रिटन शीट नंबर 50 शुरू की थी, वर्क एनर्जी पार। वर्क एनर्जी पार के अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी फॉर लीनियर मोमेंटम। इसके बेस पे हमने इन क्वेश्चंस को करना था। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन था ये रहा। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, हमने कर लिया था, नहीं किया था ये, नहीं। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर लीनियर मोमेंटम पहले कितना था, पी, और एनर्जी कितनी थी, ई, तो ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, केस नंबर वन। फिर वो कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पी तो होगा ही होगा, 20% ज्यादा हो गया, तो पी प्लस 20% ऑफ पी, तो यानी कि कितना हो गया, 120/100 टाइम्स पी, ये नया मोमेंटम हो गया। तो एनर्जी कितनी हो गई, ई डैश हो गई, तो ई डैश इज इक्वल टू 120/100 इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। पहले मोमेंटम पी था, अब मोमेंटम 120/100 इंटू पी है, तो पहले एनर्जी ई थी, अब एनर्जी ई डैश है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक तो एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आ गया, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। अभी एनर्जी कितनी है, ई या ई डैश, पहले कितनी थी, ई, तो ये क्या आ गई, इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी ई, तो इंक्रीज इन एनर्जी ई डैश माइनस ई अपॉन ओरिजिनल एनर्जी कितनी, ई इंटू 100, ये आपको निकालना है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी ऐसे ही होगा, दैट इज चेंज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी इंटू ई इंटू 100। ई डैश की जगह वैल्यू पुट कर लो, 120/100 पी का होल स्क्वायर, ई की जगह पुट करो पी स्क्वायर बाय 2m, सॉरी यहां पर 2m भी आएगा, ई की जगह पी स्क्वायर बाय 2m और इनटू 100। इसे सॉल्व करो प्लीज, पी स्क्वायर कैंसिल, 2m कैंसिल, सॉल्व करके वेरीफाई करो क्या आंसर 44% आ रहा है, चेक करो। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, समझ में आ रहा है सबको? तो एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक, चेक करो, पी स्क्वायर 2m कैंसल, तो यहां पर आएगा 120/100 का होल स्क्वायर माइनस 1/1, तो सॉल्व करके देखो आंसर क्या आएगा, बता दो तो। आ गया 44%, चेक करो, आएगा 44% आएगा। करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी है, लेकिन प्लीज वो अप्रोक्सीमेट तरीका है, वो स्कूल में या कहीं पर भी लिख के नहीं आना। ठीक, देखो क्या मेथड है, ये क्लियर है यहां पर? देखो, एनर्जी ई क्या है, ई इज पी स्क्वायर बाय 2m, राइट?
मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना 20% है ना, इंक्रीज बाय 20%। तो इसको याद है एरर्स में हम क्या करते थे, डेल्टा पी बाय पी इनटू 100, 20% गिवन है। मेरे को निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे निकालनी है, राइट ये मुझे निकालनी है। एक काम करते हैं, एरर्स का चैप्टर याद है, एरर्स के चैप्टर से इसको लिखो, डेल्टा ई बाय ई इज इक्वल टू 2 इनटू डेल्टा पी बाय पी प्लस, ये तो कांस्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 100 से दोनों साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये मुझे निकालना है और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है कितना 20%। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 40, देखो 44 तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अंदाजे से ये पता लग जाता है कि इसका आंसर 40% के आसपास ही आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बहुत दूर है, मान लो 44%, 64%, 84%, तो फिर अंदाजे से पता है कि 44% का 40% ही आंसर मार्क किया जाएगा, अंदाजा है। पर ये कोई सही मेथड नहीं है, क्योंकि परसेंटेज चेंज काफी बड़ा है, 2-3% के लिए तो काम करता है, पर 20% के लिए काफी आंसर थोड़ा चेंज करके देगा, पर फिर भी 4 की लाइन में तो ले ही आएगा। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है, करेक्ट मेथड यही है जो भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m वाला। ठीक, ये क्लियर है यहां तक? बता दो ये, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%। तो कोई मुझे इस चीज का आंसर दे कि अगर एनर्जी अभी ई है काइनेटिक, अगर मैं 300% इंक्रीज करूं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 ई, मेरे पास एक रुपया था, मेरे को 300% फायदा हो गया, 300%, तो 300 रुपए हो गए, 4e हो गया, यानी कि 4 रुपए हो गए। बिजनेस में कहते हैं एक रुपया लगाया था 100% का फायदा हो गया, तो 2 रुपए हो गए या डबल हो गए। डबल को क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं ना, हाँ ऐसी बोलते हैं, हाँ ना नहीं बोलते, हाँ या ना नहीं बोलते, यस बोलते हैं ना। तो अगर 1 रुपए लगाए और 100% फायदा हो जाए तो 2 रुपए हो गए, ये समझ में आता है? अच्छा, 1 रुपया लगाया था मार्केट में और 2 की जगह 3 रुपए हो गए, कितने परसेंट फायदा हो गया, 200% फायदा हो गया। 1 रुपए लगाए थे और 3 रुपए हो गए, कितना फायदा हो गया, 300% फायदा हो गया। गलत है, देखो ई लगाया, ई एनर्जी थी और एनर्जी अगर 4e हो जाए तो 300% है, 4 रुपए पे, यार 1 रुपया तो लगाया ही था, वो तो मेरे अपने ही थे, 4 रुपए जब बनेंगे तो 4 में से 1 गया, तब 3 रुपए बचेंगे मेरे को, तब 3 रुपए फायदा माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, 1 रुपए का 4 रुपए बनना यानी कि 3 रुपए का फायदा होना, 300%, राइट। तो ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना कि 3 रुपए हो गए तो 300% हो गया, ऐसे नहीं हो रहा, 1 रुपया तो मेरा ही था, तो यानी कि E का अगर 4e हो गया, ये देखो चेंज इतना प्रॉफिट हो गया अपॉन E इनटू 100, चेक करो कितने परसेंट आ रहा है। तो ये आपको परसेंटेज तो मैं नहीं सिखा सकता, बट ये समझा सकता हूं कि 4e क्यों हुआ। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी पहले E थी, द
तो अब एनर्जी 300% इंक्रीज करके कितनी हो गई, 4E हो गई। ये समझ में आ गया। आगे अब वो ये कह रहा है कि बताओ कितने परसेंटेज से लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो गया। तो पहले लीनियर मोमेंटम अगर P है और सपोज अब कितने P डैश है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100। निकाल सकते हो, लगाओ फॉर्मूला E इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m वाला सेम। देखो फर्स्ट केस में E और P का रिलेशन बोलो, E इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, तो P किसके इक्वल आएगा, 2me का अंडर रूट। इसमें बोलो 4e इज इक्वल टू P डैश स्क्वायर बाय 2m, तो P डैश किसके इक्वल आएगा, 2m इंटू 4e का अंडर रूट। समझ में आ रहा है, तो E की टर्म में हमने मोमेंटम को निकाल लिया। कोई डाउट इसमें, हमने क्योंकि क्या निकालना है, इसमें हमने निकालना है P डैश माइनस P बाय P इंटू 100, तो P डैश की जगह क्या पुट करें, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 4e माइनस अंडर रूट ऑफ 2me बाय अंडर रूट ऑफ 2me इंटू 100। ये निकालना है, तो यहां से अंडर रूट ऑफ 2me कांस्टेंट बाहर आ गया, ये अंडर रूट ऑफ 4 हो गया, ये 1 हो गया, अंडर रूट ऑफ 2me इनटू 100। चेक करो ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल। अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2, तो यहां से सॉल्व करके कितने परसेंट आंसर आ गया, 100%। कैसे करना है समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपर्स में आता है, इन दो टाइप के न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ जो है एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक ऊपर और नीचे वो लेके जाएगा और वो पूछेगा कि अलग अलग वर्क डन्स की वैल्यू बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी ऐसे आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं कि आपको दिखना चाहिए कि वर्क डन कैसे निकालना है। हालांकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप द इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर और हाइट 5 मीटर एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। तो पहले ब्लॉक को ऊपर लेके गए, फिर ब्लॉक को नीचे आने दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? म्यू आपको गिवन है, यानी कि फ्रिक्शन इसमें पूरे रास्ते में प्रेजेंट है। क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर राउंड ट्रिप, आने और जाने में किसका वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशनल का। मेरा नहीं,
मैंने कितना धक्का मारा, मेरा नहीं, क्योंकि मैंने भी तो, मैंने फोर्स को कहाँ लगाई, ऊपर, मैंने फोर्स को ऊपर लगाया होगा, मेरा वर्क डन नहीं पूछा, ग्रेविटेशनल ने कितना वर्क डन किया। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको डाउनवर्ड लेके आने की कोशिश कर रही है, उसकी वैल्यू बोल लो कितनी है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा फोर्स ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है, तो ग्रेविटी क्या वर्क कर रही है, ग्रेविटी चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, हर वक्त ये चाहती है नीचे आए, कोई डाउट इसमें? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था, नो डाउट मैंने एफ फोर्स लगाई, पर मेरा वर्क डन तो कोई पूछ नहीं रहा, तो मैं एफ को तो इसमें यूज नहीं करूंगा। तो जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा था, तो एम जी साइन थीटा फोर्स कहां लगी थी, ऑपोजिट। तो ग्रेविटी ने, अर्थ की ग्रेविटी ने फोर्स कहां लगाई, एम जी साइन थीटा, नीचे, पर ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर, ग्रेविटी की फोर्स का है नीचे, तो यानी कि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, लेकिन आप जबरदस्ती उसे ऊपर लेके जा रहे हो। और जब भी आप अगेंस्ट वर्क डन करते हो, आपका वर्क डन कभी पॉजिटिव नहीं आता, आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे, आपकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जाते हुए जब ब्लॉक ऊपर गया, फोर्सेस एम जी साइन थीटा, ग्रेविटी की फोर्स एम जी साइन थीटा, नीचे डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, एल 10 मीटर ऊपर, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है। तो यहां पर मैंने वैल्यूज को पुट किया, और एंगल आप निकाल सकते हो, साइन थीटा इज 5/10, तो यहां से एंगल आएगा 30 डिग्री, गिवन नहीं हम निकाल लेंगे, 30 पुट करके आंसर ये आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगी वो क्या करेगी, नेगेटिव। लेकिन अगर कोई पूछता है कि मैंने कितना वर्क डन किया, अब मेरा वर्क डन कैसे होता, फोर्स कहां लगती, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होती, ऊपर, तो मेरा वर्क डन थोड़ा ना नेगेटिव आता है, मेरा वर्क डन क्या आता, पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ग्रेविटी का अगर वर्क डन पूछ रहा है तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्लॉक कहां जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। पहला स्टेप क्लियर है? अच्छा चलो, ब्लॉक को अब नीचे आने दो। नीचे आते हुए भी एम जी साइन थीटा कहां करेगा, नीचे, तो ग्रेविटी की फोर्स कहां लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, नीचे। अब ग्रेविटी जो वर्क डन करेगा वो नेगेटिव नहीं करेगा, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। ऑपोजिट जाने में नेगेटिव, अपोजिंग फोर्स नेगेटिव, और अगर साथ आ रहे तो पॉजिटिव। क्लियर? तो फोर्स एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, अगेन 10, तो ये वर्क डन एम जी साइन थीटा इंटू एल, तो जितना आंसर ऊपर आया था उतना ही आंसर नीचे, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ, जाने का और आने का ऐड करो, नेट आंसर इज 0, तो नेट आंसर 0। कोई डाउट इसमें? किसी स्टूडेंट दूसरे बैच ने मुझे एक और आंसर दिया, वो बोलता है ऐसा करने की जरूरत क्या थी। मैंने कहा वो क्यों, कहता है जहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ वहीं ब्लॉक वापस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, तो आंसर इज 0। कितने लोग एग्री करते हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं, इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी। ओके, मैं आप क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मैंने कहा एक काम करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ आने और जाने का कितना है। कुछ नहीं है, आप तो आंसर 0 ही बोल रहे हो ना, तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं चाहिए, मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए। तो आपने कहा तो भी 0। मैंने कहा वो क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो फिर एक काम करते हैं, ये देखो, ये पहले कर लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा था तो बोलो फ्रिक्शन फोर्स कहां थी, नीचे, और जब ब्लॉक नीचे आ रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां थी, ऊपर। स्लाइड घिसटता हुआ आएगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट। तो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे, जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में और फ्रिक्शन में एंगल हमेशा 180। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क डन करती ही नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करती है। जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो भी माइनस एफ इन टू एस, जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो भी माइनस एफ इन टू एस। एड करके देखो आंसर, देखो 0 नहीं आया। जो लोग बोल रहे थे ना नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाती है, उनका तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। इसका मतलब आप वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आप अलग अलग वर्क डन निकालें और फिर उन्हें ऐड करें। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। सारी वैल्यूज पुट करके आंसर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन राउंड ट्रिप का ऐड हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? फिर वो कह रहे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी। जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा था, अप्लाइड फोर्स का मतलब किसने फोर्स अप्लाई की? मैंने की। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स का मतलब अब वो इसकी बात कर रहा है, इसने कितना वर्क डन किया। तो कितना किया, फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर लेके जाने के लिए ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है? ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना? जीरो। तो मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि मैं तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। कोई डाउट इसमें? क्लियर यहां तक? तो मेरा मैंने कितनी फोर्स लगाई? कम से कम जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो मेरी फोर्स कम से कम एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब मेरी कैपिटल एफ की बात होगी तो कैपिटल एफ की जगह एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कम से कम मेरी फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एल। ये स्टेप समझ में आया यहां तक कि अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगी? एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऊपर है, एम जी साइन थीटा नीचे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा, सारी वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कब वर्क डन निकालने में कौन सी फोर्स लगानी है, यही इसमें टेक्निक है। और कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, ये टेक्निक है। नेगेटिव तो तब आएगा जब वर्क डन हमेशा अगेंस्ट होगा। किया था हमने, अगर कोई रोक रहा है हमें और वो फोर्स हमें रोक रही है ऊपर जाने के लिए, चाहे वो ग्रेविटी की फोर्स है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स है, चाहे वो कोई भी फोर्स है, अगर अपोजिंग फोर्स है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है यहां तक? अब वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालो एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि ये बॉडी ऊपर गई थी, ऊपर जाके फॉर एन इंस्टेंट किस पे आ गई थी? एट रेस्ट। तो ऊपर जाने की जर्नी का तो क्या ही डिस्कस करेंगे, नीचे से शुरू करते हैं। ये बॉडी जब नीचे आई तो इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली v, और मेरे को क्या निकालना है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं आपको v बता दूं मेरा आंसर आ जाएगा। आपको ये डिस्टेंस पता है कितना? 10 मीटर। जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो कौन सी फोर्स नीचे एड कर रही है? एम जी साइन थीटा। कौन अपोज कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन बताओ नीचे आने की क्या है? mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? तो यहां से थीटा वाला सब पुट करके क्या आ जाएगा? a। फिर आप यहां इसके लिए लगाओगे v इज इक्वल टू u प्लस या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2 इनटू a इनटू 10 मीटर। तो u 0 होगा, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? v का स्क्वायर। v स्क्वायर को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये वैल्यू आएगी। ये एक लंबा तरीका है, ठीक है, एक लंबा तरीका है। तो ये एक लंबा तरीका है हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी जगह एक काम करते हैं, इसकी जगह हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय नेट फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है। क्योंकि हमने जो प्रूफ किया था वर्क एनर्जी थ्योरम में, उसमें एक ही फोर्स ही है अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर बहुत सारी फोर्सेस हो तो आपने नेट फोर्स लेनी होती है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो जब कोई बॉडी नीचे, ये मेथड नंबर वन था, ये लंबा तरीका है। छोटा तरीका ये है कि जब भी कोई बॉडी नीचे आ रही होगी तो नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है? एम जी साइन थीटा। अपोज कौन करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स क्या होगी? एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जीरो है, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सॉल्व करके वर्क डन आएगा, यहां से वर्क डन जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसे कर लो या ऐसे कर, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे वैसे, वो कई बार नहीं क्लिक करता। कर जाए तो अच्छी बात है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं करता तो फिर ये तो तरीका है ही, फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, देन फाइंड वेलोसिटी, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो मेथड समझ में आया कि अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग वर्क डन होंगे।
ठीक है यहां तक? इसी के बेस पे ये क्वेश्चन प्लीज पढ़ना एक बार। देखो क्वेश्चन के अंदर के गिवन है टू आइडेंटिकल 5 kg ब्लॉक्स, दो 5 किलो के ब्लॉक्स है, आर मूविंग विद सेम स्पीड 2 m/s टूवर्ड्स ईच अदर, पास आ रहे फ्रिक्शनलेस है, पास आ रहे हॉरिजॉन्टल, एंड टू ब्लॉक्स कोलाइड, टक्कर हो जाती है, चिपक जाते हैं एंड कम्स टू रेस्ट, वहीं रुक जाते हैं। तो कोई ये ना समझे कि मैं 2 m/s की स्पीड उनको पकड़ के इस तरीके से लेके आ रहा हूं अपने हाथ में, नहीं, मैंने बस छोड़ दिया, फ्रिक्शन तो थी नहीं, 2 m/s बॉल को वेलोसिटी दी थी, हर वक्त उसमें 2 m/s ही रहेगी, बात खत्म। ठीक है यहां तक? तो नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड, याद है कोलिजन में मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब बॉल्स की कोलिजन होती है तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, वो कह रहे एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, क्योंकि मैंने तो उसको बस एक बार फोर्स देके छोड़ ही दिया, अब तो मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो मेरी तरफ से नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, तो वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। फिर कहते हैं ये बता दो इंटरनल फोर्सेज क्या काम करेंगी, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज होंगी आपस में एक्शन एंड रिएक्शन, वो क्या काम करेंगी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल जो वर्क डन होता है That is always equal to change in kinetic energy. और change in kinetic energy को क्या लिख सकते हैं, final kinetic minus initial kinetic. Clear है? तो total work done किसके equal होगा? That is जो external ने किया और जो internal ने किया, पर external ने तो किया ही नहीं, तो यहां पर किसका आएगा, सिर्फ internal का। और change in kinetic energy देखें, final kinetic energy दोनों balls की क्या होगी, zero, क्योंकि दोनों की दोनों किस पे आ चुकी है, at रेस्ट, तो फाइनल की जगह जीरो। इनिशियल क्या थी, हाफ एमवी स्क्वायर प्लस हाफ एमवी स्क्वायर, बिकॉज दे वर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये रही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस किया तो माइनस एमवी स्क्वायर, तो एम पुट करो वी पुट करो, दोनों क्वेश्चन में गिवन है, -20 joule का क्या आ गया, इंटरनल वर्क डन आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज की, तो ऐसे नहीं हो सकता इंटरनल का वर्क डन ऐसे ही निकलेगा, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है जो इसमें क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, और क्या वर्क डन कर रही है, उन बॉडीज को रोक रही है, रुक गई ना, इंटरनल ने क्या किया, एक्शन रिएक्शन लगाया, बॉडीज रुक गई। माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस साइन ये इंटीग्रेट जो है इंडिकेट करता है दैट इंटरनल फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन act on the two blocks in direction opposite to their motion, मतलब ये balls ऐसे आ रही थी, अगर ये ball ऐसे आ रही है तो ये इसे ऐसे धक्का मारेगा, force internal, और अगर ये ऐसे आ रही है ये इसे ऐसे मार रहा है, और अगर ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे hit कर रहा है, तो direction of motion ऐसे है, internal force opposite है, रोक रही है, रोकने की force कभी positive, रोकने का work done कभी positive नहीं होता, रोकने का work done नेगेटिव होता है, रेजिस्टिंग मैंने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है, तो जो जो फोर्स बॉडी को रोकेगी रेस्ट पे लाएगी
वो नेगेटिव वर्क डन करेगी, और इंटरनल फोर्स क्या कर रही है, एक दूसरे पे धक्का मार के इन दोनों ब्लॉक्स को उस पे ले आई है एट रेस्ट। तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो क्लोज करते हैं इस असाइनमेंट को, 51 को।